नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के कुछ ऐसे खास फीचर जो हमें गुड लक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि गुड लक दोस्तों नाम की एप्लीकेशन है, वो काफ़ी फोनों सपोर्ट कर दी है। तो दोस्तों मेरे पास A50 है, A50 दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी A50, जिसमें दोस्तों गुड लक जो एप्लीकेशन है गुड लक, उसका दोस्तों सपोर्ट इसमें मिलता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस एप्लीकेशन को इस फोन में डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इस एप्लीकेशन को इस फोन डाउनलोड कर सकते हो, और दोस्तों वो सारे फीचर आपको बताऊंगा जो हमें इस एप्लीकेशन के अंदर मिलते हैं, जिनको दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये एकदम कस्टम एप्लीकेशन है, जिससे दोस्तों आप अपने फ़ोन को एक नया लुक देख सकते हो, जिसमें दोस्तों हमें काफ़ी भरभर के फीचर मिलते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आप इस गुड लुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और दोस्तों इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कैसे आप इनके जो दोस्तों ये फीचर हैं उनको इनेबल कर सकते हो, और आपको दोस्तों बिल्कुल मोबाइल पर लाइव दिखाऊंगा। चलता हूँ दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जी है मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी A50, और दोस्तों देखिए जी है इसमें गुड लॉक। दोस्तों आज मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कैसे आप इसमें A50 में से इंस्टॉल कर सकते हो, और इसके फीचर जो होते हैं दोस्तों उन्हें कैसे इनमें इनेबल कर सकते हो। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में आना है, और दोस्तों मोबाइल में एक ऑप्शन आता है गैलेक्सी स्टोर का, ये वाला, इसमें दोस्तों आपको सर्च करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, दोस्तों आपको जाना है गैलेक्सी स्टोर में, और वहाँ आके दोस्तों आपको सर्च करना है गुड लॉक। या उसमें जाके आप सर्च करोगे तो वहाँ दोस्तों जो एप्लीकेशन शो हो जाती है, ये देखिए। जब दोस्तों आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पर दोस्तों ये एप्लीकेशन आ जाती है, ये देखिए नीचे आ रही है जेरी गुड लॉक। ये दोस्तों मेरे यहाँ पहले से इंस्टॉल है, मैंने यहीं से की थी इसे। तो दोस्तों जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो इसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको इसे ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करोगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे, ये देखिए। तो दोस्तों ये जितने भी इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, लॉक स्टार, क्यू स्टार, और ये रूटीन, लॉक फेस, तो दोस्तों इन सबको आपको यहाँ पे ऑप्शन आते हैं डाउनलोड वाला, आपको हर एक फंक्शन को यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली तो ये वर्क करने लग जाएगी, आपको जो सारे जितने भी दोस्तों फीचर दिए गए हैं सब डाउनलोड करने पड़ेंगे। और दोस्तों जिस सारे डाउनलोड करने हैं आपको गैलेक्सी स्टोर से ही, यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड का, एरो की तरह उल्टा एरो आता है, आपको उस पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली दोस्तों डाउनलोड होने लग जाते हैं। जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो मैं अब आपको दिखाता हूँ मैं कि इसमें आप कैसे किसी भी फीचर को ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए ये है लॉक स्टार, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपका जो लॉक स्क्रीन होती है हमारे फ़ोन की लॉक स्क्रीन, आप उसमें कोई भी चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉक स्क्रीन का, तो जो मेरे में ऑन है क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें सेट कर रखी है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, अपने हिसाब से आप लॉक स्क्रीन को कहीं पे भी सेट कर सकते हो, ये देखिए आप यहाँ कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, और ऐसा करने के बाद दोस्तों आप इसे सेव कर दोगे तो ये वहीं पर ही सेट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी लॉक स्क्रीन दोस्तों टाइम आता है वो ऑटोमेटिकली इस जगह पे आता है, हम उसे कहीं पे नहीं कर सकते, बट आप इस फीचर की मदद से आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हो। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है क्विक स्टार वाला, दोस्तों इसमें क्या है कि आपको दोस्तों नोटिफिकेशन बार होते हैं, जो क्विक स्टार होते हैं दोस्तों ये नोटिफिकेशन टाइप जाती हैं, तो आप उनको चेंज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जो हमारे फोन नोटिफिकेशन आती हैं तो इस तरीके से बाइट बाइट होती है, लेकिन जब आप इस इनमें से किसी भी फोल्डर को लगा लेते हो तो दोस्तों आपके नोटिफिकेशन जो बार है वो अलग से हो जाएगा, अपने हिसाब से लगा सकते हो। और दोस्तों इसमें कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं, जैसे दोस्तों देखिए लॉक स्टार, एक क्लॉक फेस, दोस्तों ये काम आता है
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जब आप यूज करते हो अपने फ़ोन में, तो दोस्तों आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें हमारे में दो चार ही वॉच दी जाती हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। बट दोस्तों आप इसका जब यूज करते हो तो आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी वॉच आ रही हैं अलग अलग टाइप की। तो दोस्तों आप किसी को भी इसमें से यूज कर सकते हो, मैं आपको एक लगा के दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपको ये कलरफुल वाली लगानी है तो आपको उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस राइट वाले पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों देखिए हमारे एक क्लॉक पे से अप्लाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ लगा भी है कि नहीं। दोस्तों अभी नहीं लगा है, क्यों कि हमारी जो वॉच तो अप्लाई हो चुकी है, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो फोल्डर है वो हमने अभी ऑफ कर रखा है। दोस्तों हमें ऑन करना है तब दोस्तों ये वर्क करेगा। तो हमें सेटिंग में जाना है, और यहाँ जाने के बाद दोस्तों देखिए ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर देता हूँ, ये ऑन हो गया। अब दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके दोस्तों कुछ जो एप्लीकेशन है इस तरीके से फीचर इसमें दिए गए हैं जो हमारे फ़ोन को काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। दोस्तों आप इसी तरीके से हर एक फ़ीचर का यूज कर सकते हो जो भी लॉक गुड लॉक के अंदर दी गई हैं, क्योंकि दोस्तों मैं अगर सारे फ़ीचर के बारे में एक करके आपको बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप इसी तरीके से गैलेक्सी स्टोर से इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और उसके बाद उसमें जितने भी फीचर हैं उनको भी सबको आपको डाउनलोड करना है गैलेक्सी स्टोर से ही, और अपने मुताबिक आप किसी भी ऐप उसमें जो फीचर दी गई है उसका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों एक दो फीचर तो मैंने आपको यूज करके दिखा दिए हैं, बाकी जितने ही फीचर हैं आप उनका यूज इसी तरीके से कर सकते हो अपने मुताबिक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।